मैं हूं आशिकीन कुरैशी, आप देख रहे हैं जेपीएन 7 न्यूज। बात अब बार एसोसिएशन के हुए शपथ ग्रहण समारोह की। बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष कृपाल सिंह यादव, सचिव मोहन सिंह एडवोकेट सहित सभी पदाधिकारियों को निष्ठा के साथ कार्य करने की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर जनपद न्यायाधीश सुशीला सिंह ने कहा कि हम एक ही संस्थान में कार्य करने वाले लोग हैं, एक ही परिवार से हैं। हम जज हैं, आप वकील हैं। न्यायालय की गरिमा को बनाते हुए बेंच बार को पूरा सहयोग करेगी। जनपद न्यायाधीश ने इस मौके पर नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई भी दी। इससे पहले जनपद न्यायाधीश सुशीला सिंह, अपर जनपद न्यायाधीश रमाकांत मिश्रा, एडीजे बीडी भारती अरविंद सिंह, शोभीलाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजेश कुमार, सिविल जज सीडी सुभाष सिंह, एसीजेएम श्रीमती जीनत मिर्जा को पुष्प भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं नवनियुक्त बार के पदाधिकारियों का भी फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया गया। बार के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं को यकीन दिलाया कि वह वकीलों की समस्याओं के निस्तारण को हमेशा तत्पर रहेंगे। कार्यक्रम में महिला अधिवक्ताओं सहित दोनों बारों के वकील भारी संख्या में मौजूद थे। बाद में बार के अध्यक्ष कृपाल सिंह, सचिव मोहन सिंह, पूर्व अध्यक्ष एम इस्लाम आलमी, सचिव मुदित माथुर एडवोकेट ने सभी का आभार जताया। वीडियो जर्नलिस्ट फॉर्मिस मशकूर के साथ आशिकीन कुरैश की रिपोर्ट। हम लोग एक ही संस्था में काम करते हैं, हम जज हैं, आप अधिवक्ता हैं, लेकिन सबसे पहले हम इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं। हमारी न्यायपालिका की गरिमा को उच्च स्तर तक पहुंचाना हमारी और आपकी संयुक्त जिम्मेदारी है, और मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी इस सोच को आप बढ़ावा देंगे और न्यायपालिका की गरिमा को कभी कोई ठेस न पहुंचने देंगे। अभी तक आप लोगों का बहुत सहयोग मिलता रहा है और आगे हम ये उम्मीद करते हैं सभी कि आपका यही सहयोग इसी तरह से हमको प्राप्त होता रहेगा और इस अमरोहा का नाम, जैसे आजकल लोग बाहर कहते हैं अमरोहा बहुत अच्छा चल रहा है, वो सुनने को मिलता रहेगा। आप लोगों की जो भी जायज समस्या है कभी नो नहीं करेंगे, हमेशा उसको शीघ्र अतिशीघ्र सुलझाने का पूरा प्रयास करेंगे और आपसे इसी तरह के सहयोग की उम्मीद करते हैं।